हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं रूही आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी से मैं यही कामना करती हूं, मेरे सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूअर्स, सारे फैमिली के जितने भी लोग हैं हमेशा खुश रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम दोस्तों, सुबह के 8:15 बजे हैं, 8:15 नहीं दोस्तों 9 बजे हैं। और अभी अभी हम नहा के आए हैं, अभी हमने पूजा भी नहीं की है, तो बाल में पहले कंघी करेंगे। और सच बताएं आप लोगों को ना, पूजा करना हमारे दिमाग से निकल गया था, क्योंकि ना वीडियो, ना मोबाइल चार्ज करना, ना वीडियो एडिटिंग करना, ना वीडियो बनाना, किसी चीज़ में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, कोई चीज़ मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो मैं करूँ कहाँ से वो काम, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहता कुछ। मोबाइल का तो एकदम चार्जर ख़त्म होता है, चार्जिंग ख़त्म हो जाती तब जाके कहीं फ़ोन में चार्जिंग में लगता है। और ये देखिए मुझे याद नहीं रहा ना, इसीलिए मैं 2 लड्डू लेके आई थी। मैंने सोचा बाल में कंघी करूँगी और फिर यहीं पे पानी पीऊँगी खा के, तो अभी तो मुझे पूजा करने के लिए जाना है। और ये लड्डू दोस्तों हमने लिया नहीं है, पड़ोस में शादी थी तो शादी के बाद ये सबके यहाँ बंटवाया जाता है, जिसे बैना बोलते हैं, तो वो मिला है मुझे। तो बाल में कंघी कर लेती हूँ, फिर दोस्तों पूजा करूँगी। बाल इतने उलझे हैं ना कि पूछिए मत, बाल सारे हमारे जो है वो झड़ गए हैं, एकदम पतले हो गए हैं, क्योंकि जब थोड़ा सा टेंशन हो जाता है ना तो बाल तो झड़ने ही लगते हैं। अभी बज गए हैं 12:00 दोस्तों, और ये देखिए मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, भटोई की भुजिया और 2 रोटी मैंने ली है, जा रहे हैं खाने के लिए। और चेहरे पे भी आटा लग गया है, सीसा भी नहीं देखी, बस बना के तुरंत खाने के लिए जा रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, खेत के लिए जाना है दोस्तों, खेत में गेहूँ की बुआई करनी है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों से बात कर रही हूँ। बनाते टाइम कुछ दिखाया नहीं, हाँ आओ अभी है घर में, उसको भी खिला लेंगे साथ। और खाना खा लिए हैं दोस्तों, खाना खाने के बाद हमने कपड़े भी धो लिए हैं। आजकल बारिश है, ठंडा मौसम है, तो कपड़े ज़्यादा नहीं निकलते हैं, बच्चे भी कभी कभी आलस खा जाते हैं जो नहीं नहाते हैं, तो बस थोड़े बहुत कपड़े थे गर्मी में, तो उतना ही कपड़ा भिगोते हैं और उतने ही गीला करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। अभी तो कम कपड़े निकलते हैं, लेकिन हाँ जैसे ही धूप निकलेगी वैसे कपड़े फिर से निकलना शुरू हो जाएंगे, तो कपड़े धो के डाल देंगे, इसलिए क्योंकि जल्दी से मैंने इसलिए धोया ना कि फिर आने के बाद खेत से थोड़ी थकान हो जाती है, और इस टाइम थोड़ा मुझे वीकनेस ज़्यादा हुआ है, तो इसकी वजह से ना मैं जब खेत का काम करती हूँ ना तो मुझे अचानक से पूरी बॉडी में थरथरापन शुरू हो जाता है, और फिर तुरंत ही माथा गर्म हो जाता है, आंखें गर्म हो जाती है, ऐसा बुखार आ जाता है मुझे। लेकिन हाँ ये बुखार अपने आप चला भी जाता है, घर आती हूँ थोड़ा बहुत आराम करती हूँ, उसके बाद काम करना शुरू कर देती हूँ, फिर बुखार ठीक हो जाता है। नहला धुला के तैयार करवा दिया है हमने, और बस आज मौसम ठीक नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप बिल्कुल नहीं है, तो चलना है खेत, बस खेत के लिए हम रेडी हैं। और चाबी यही रख के जाएंगे कहीं, या फिर किसी को दे के जाएंगे, क्योंकि 12:30 बजने वाले हैं, तो बच्चे भी 1 बजे तक में स्कूल से आ जाएंगे। दीदी का बाल छोड़ दो अभी, अरे दीदी आपसे बड़ी है ऐसे करोगे, छोड़ो बाल, छोड़ो बाल, छोड़ो, क्या हुआ? ओए रे दीदी के बाल टूट के देखो आपके ऊपर मुंह में आ गए, छोड़ो पहले आप दीदी को, दीदी को आप छोड़ो। हम क्या लेके आए पता है आपको? अब कल जाएंगे मान सो ना, चॉकलेट वगैरह जब लाएंगे तो अभी को नहीं देंगे, बस आप दोनों को देंगे, ठीक है ना? हाँ जाएंगे, चौराहा जाएंगे तो ले आएंगे, बहुत शैतान है। अरे मैं आपको प्यार गुच्छे से नहीं मालूम, मैं मेले बाबू को मालूंगी थोली। हाँ मेले बाबू, इसकी हालत देखिए कैसे कर दी, खड़ी हो जाओ, दिखाओ बैठ के, ठीक है? तो इसके बाल पूरे बिगड़ गए हैं। अच्छा दीदी को मार रहा था तो हंस रहा था, अब मैं इनको मार दी, इनका माही का मुंह देखिए पूरा लाल पड़ गया, लाल देखे। छोड़ दो, ऐसा नहीं करते, मम्मी को कोई ऐसे करता है क्या? आपको मारे है मैं नहीं मारी ना, मैं आपको छोड़ो बाल, छोड़ो बाल, छोड़ो इधर से दिखाओ, इधर से मम्मा आपको बहुत मारेगी फिर, छोड़ो पहले मम्मा का बाल, छोड़ो पहले मम्मा का बाल, छोड़ो जी मम्मा का बाल, छोड़ो बाल, छोड़ो मम्मा का, छोड़ो इधर देखो पहले, मम्मा को कोई ऐसे करता है? अरे मां मार डालेगा, बाल बहुत लग रहा है, मेरा भी लग रहा है। देखिए
ऐसा लग रहा है मर जाऊंगी। अगर आप बाल पकड़े किसी का भी, दीदी का या खेत जाना था दोस्तों, हम नहीं गए हैं क्योंकि कोई और आ गया है गेहूं की बुआई करने के लिए। और ये देखिए हमें एक फुड़िया निकल आई थी, अभी तो ठीक हो रहा है। और आज हमने ये काली वाली साड़ी पहनी है, एक साड़ी हमने और निकाली है हरी वाली जो तोता कलर है, उसका बॉर्डर लाल है, पहनेंगे तो आप लोग देखिएगा। तो दो साड़ी हमने निकाल ली है डेली पहनने के लिए, क्योंकि जो इससे पहली वाली साड़ियाँ थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी तो, और कहीं कहीं पर थोड़ा सा मतलब होता है ना कि थोड़ा बहुत खरोच लग जाती है जैसे खेत का काम करो तो उस तरह से फट गई थी, तो उसको हमने रख दिया है। और अभी सानी पानी करके हमारे हैं दोस्तों, शाम के 4 बज गए हैं और ब्लॉग याद ही नहीं था, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और अभी के साथ जो हमारी मस्ती चल रही थी ना दोस्तों, ये शाम का क्लिप था जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे ये शरारत करता है लड़का और सबको तंग करता रहता है। और ये हो रहा था दोस्तों मॉर्निंग का टाइम, वापस से सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस जो काम रूटीन डेली का होता है जो आप लोग देखते रहते हो वही मैं निपटा के आई हूँ। तो इस काम को मैंने सोचा था क्योंकि आज मैं कई दिनों से देख रही थी ये जो चारा है ना कुट्टी का, ये पूरा फैला पड़ा था, क्योंकि जो खुले रहते हैं जानवर ना जैसे गाय भैंस बकरियां आने जाने वाली यहाँ वहाँ टहलने वाली वो सब खोल दी थी। और जब ये आता है ना खेत से तो इसमें हरे हरे पत्ते होते हैं कुछ कुछ, तो जिनको खाने के लिए यहाँ पे पशु और बकरी वगैरह सब खोल दी थी, तो ये पूरा फैल गया था। और खेत से हम इसको बहुत जल्द उठवा लाए थे क्योंकि मैं किसी से ये सब हेल्प ली हूँ करवाई हूँ, तो मुझे ये था कि मेरा किसी तरह से खेत जल्दी से खाली हो जाए और मेरा जो अनाज है सब कुछ घर जल्दी पहुँच जाए। तो इसी चक्कर में दोस्तों हम जल्दी लेके इसको हरा थाना उसी टाइम हम उठा लाए थे, वरना सब लोग अपने खेतों में सूखने के लिए करीब 10-15 दिन तो छोड़ ही देते हैं। मैंने ये भी नहीं किया, बस फटाफट बांधा और बस बोझ लदवा के ट्रैक्टर से अपने घर ले आ ली, मैंने कहा आराम से सूखता रहेगा। तो जब ये सूख गया ना तो इसका बोझा भी ढीला हो गया और कुछ खोल खोल करके ख़राब हो गए, तो बस इसी को मैं बांध रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा साफ उतना गंदगी भी है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो नहाने से पहले इसको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी और फिर उसके बाद खाने पीने का जो भी इंतज़ाम होगा वो करेंगे। और यहाँ पर मैं पियरा का सहारा ले कर इसे बांध दे रही हूँ, जो धान के खेत में जो चारा निकला है ना उसी से बहुत अच्छे से ये बनता है। और वहाँ मैं छप्पर के साइड साइड लगा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में ना गैप हो गया था और दो खेत में हमारी ये कुट्टी था बाजरे का, तो एक दो तरह का होता है आप लोगों ने सुना होगा, एक देसी वाला बाजरा था और एक था शंकर बाजरा, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं जिसके, ये शंकर बाजरा है जो बड़े पेड़ होते हैं जिनका बाजरा खाने में स्वादिष्ट लगता है, तो ये जो है वो देसी वाला हम लोग बोलते हैं। तो इसके पेड़ बड़े हैं तो देखिए उसको हमने छप्पर में लगा दिए, इसके बोझे छोटे छोटे हैं तो पहले हमने बड़ा वाला लगाया फिर इसको लगा दिया, क्योंकि छप्पर के अंदर हमारी बकरी रहती है, अब ठंडी बढ़ने वाली है तो इसमें हमारी जो है कल्लो रानी और हमारी छोटी सी छुटकी गाय का जो हमारा छोटी सी बच्ची बची है वो रहेगी, क्योंकि गाय हमने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमने किसी को दे दिया है, क्योंकि मैं इतना सारा कुछ नहीं मैनेज कर पा रही थी दोस्तों, नहीं कर पा रही थी, मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कर लूँगी सब कुछ, पर जहाँ मैं बस एकदम से जवाब दे दी, मतलब अपने आप मुँह से निकल रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए फिर मैंने उसको किसी को दे दिया है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो को फुल वॉच आप लोग कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को मेरे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट से हमें आगे बढ़ने का हौसला और ज़्यादा मिलता है और आप लोगों को कमेंट पढ़ के हम मोटिवेट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और लगभग हमारा हो गया है दोस्तों, और पहले से ही मैं यहाँ पे काम कर रही थी, वीडियो याद कर लगाने मतलब वीडियो शूट करने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, तो अचानक से याद आया। और अभी मुझे ना गाय और छोटी वाली गाय और भैंस को भी हटाना है, खूंटे से दूसरी जगह पे बांधना है अगर वो चारा खा ली होंगी तो, बाकी का अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गिर गए हैं ना एक एक दो दो पेड़ ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, इनको साइड में लगा देंगे, क्योंकि यही साइड में अंदर पीछे की तरफ मेरे उपले वगैरह भी बनाए जाते हैं, नहीं तो फिर कुत्ते वगैरह सब यहाँ पे गंदगी फैला देंगे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, और गोबर भी हमारे कई दिन के इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिए वहाँ से आने के बाद मैंने देखा कि छुटकी हमारी जो है वो खा चुकी थी, और जब जैसे ही मुझे देखती है ना
तो चिल्लाना शुरू कर देती है मुझे देख के। और इसको मैं हमेशा रोटी खिलाती हूँ, तो बस इसको लगता है कि मैं रोटी लेके आ रही हूँ इसके लिए, इसे यही लगता है कि मैं इसके लिए रोटी लेके आती हूँ। तो बस इसको मैं रोटी वगैरह दे दूँगी, और चारा अभी कुछ था तो मैं थोड़ा सा चोकर चला दूँगी, उसके बाद ही इनको हटाऊँगी और वीडियो का एंड